खैर चले, वो मैं चलिए, निकलने से पहले वो जो अभी जो लास्ट कॉलर आए थे उनकी लास्ट कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग था, मैं रहा नहीं जा रहा, मैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे। ये जो आपने कहा कि भाई मल्टीपल गॉड का, मेरे जहन में एक क्वेश्चन आया इस तरह के, आप कहते हो कि भाई मल्टीपल गॉड नहीं हो सकता क्योंकि आपने आयत दी कि भाई वो एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे, ठीक है ना। तो आई अंडरस्टैंड कि भाई वो कॉन्सेप्ट मेक सेंस करता है। नाउ अगर अस्यूम किया जाए कि गॉड जो है वो परफेक्ट नॉलेज का है और परफेक्ट वो है पावर का, अगर लेट्स अस्यूम दो गॉड हुआ, फॉर एग्जाम्पल थॉट एक्सपेरिमेंट है, दो गॉड हुए, दोनों गॉड के पास परफेक्ट नॉलेज है एंड परफेक्ट पावर है, लेट्स ये थॉट एक्सपेरिमेंट के मुताबिक कह रहा हूँ। नाउ आपका वो जो इतराज है कि वो आपस में इख्तलाफ करेंगे, वो इख्तलाफ खत्म हो जाता है क्योंकि अगर दोनों के पास नहीं, नहीं सुन ले फिर उसको आंसर के, हाँ नहीं नहीं ठीक है, सुन ले मैं सर, हाँ काउंट, चले सुन चले लो, चले चले, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है, है, हाँ अगर उन जी दोनों के पास, दोनों के पास परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट नॉलेज का मतलब कि परफेक्ट नॉलेज के अंदर तजाद नहीं हो सकता, दो दे विल नॉट डिसअग्री। आप बोलेंगे क्यों नहीं डिसअग्री कर सकता, नहीं मैं ठीक ये है, नहीं नहीं एक नहीं सेकंड, कल मैं कहूंगा कि आप आगे करें, ये उनका सवाल मुकम्मल नेचर कर है, लें जल्दी से ये जी। उनका नेचर है कि वो डिसअग्री नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे आप कहते हैं ना खुदा गुनाह कर सकता है, आप बोलोगे नहीं कर सकता, क्यों नहीं बात कर सकता, देसी वो नहीं हो साहब, पॉसिबल बात है में लेकिन ऐसा उनकी होता है नेचर कि नहीं है। सवाल जवाब शुरू करते हैं ना तो जवाब मेरे जहन में आ जाता है, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे सॉरी जवाब सॉरी देना गो हेड, गो चाहता हेड, हूँ, तो जवाब जल्दी से करो। जो है अपनी हाँ तो सवाल अगर, मुकम्मल हाँ कर ले। चलें ठीक है, अगर परफेक्ट नॉलेज है और उनका नेचर ही है कि वो एक दूसरे से तजाद नहीं कर सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, देखें कुरान करीम ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो है कि लौका नफी हिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, कि अगर आसमान और जमीन में इस कायनात में अल्लाह के सिवा और भी माबूद होते तो फिर लफसदता या आसमान और जमीन फसाद का शिकार हो जाते, यानी तितर बितर हो जाते, तबाह बर्बाद हो जाते। फसाद का लफ्ज है, ठीक है, आपस में इख्तलाफ करेंगे नहीं करेंगे इसका जिक्र नहीं है, ये नहीं है कि आपस में लड़ेंगे वो, ये तो हम जाहिर के हिंदू मिथोलॉजी के अंदर ये इस तरह के मसाइल मिलते हैं तो हम उनको सामने लेकर आते हैं, लेकिन मैं उसको आपको एक और मिसाल से समझाना चाहूंगा। देखें खुदा जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है और जिसके पास एब्सोल्यूट नॉलेज है, जब वो किसी चीज को वजूद बख्शता है ना, तो ये जो वजूद उसको बख्शा है ये दरअसल उस चीज ने खुदा का असर कबूल किया, राइट। वो चीज क्या हुई, उसने खुदा का असर कबूल किया, इसी को हम कहेंगे मुतासिर हुई वो, और खुदा मुअसिर हुआ। अब इमेजिन करें कि दो परफेक्ट बीइंग हैं विथ परफेक्ट नॉलेज एंड विथ परफेक्ट एबिलिटी पावर, और वो अपने अपना परफेक्ट असर एक चीज के ऊपर जो मुतासिर है डाल रहे हैं, तो वो चीज कभी भी बाकी नहीं रह पाएगी। उसकी एक मिसाल है, उसको हम मिसाल से समझ सकते हैं। मसलन आपके पैर में एक जूता है, आप दोनों पैर उसे एक जूते के अंदर घुसाना चाहें, साइज एक ही है लेकिन दोनों पैर डालेंगे जूता फट जाएगा। एक कुर्ता है, दो बंदे एक साथ उसको पहनना चाह रहे हैं, नहीं पहन पाएंगे, कुर्ता फट जाएगा, चूंकि आपकी बॉडी उस कुर्ते के ऊपर या आपका पैर उस जूते के ऊपर असर कर रहा है। एक सांचे के अंदर एक गिलास में अगर आप जितना पानी आ सकता है उतना ही आएगा, अगर आप जग जो के उस गिलास के ऊपर पानी के जरिए असर कर रहा है उससे डालते रहेंगे तो पानी जो है बाहर आएगा और कभी भी आप पानी पी नहीं पाएंगे सही से। तो खुदा अगर दो परफेक्ट हो, दो मुकम्मल नॉलेज वाले हो और वो एक मुतासिर के ऊपर मुकम्मल असर डालें तो वो चीज कभी भी बाकी नहीं रह सकती, इसलिए एक खुदा होगा और ये कायनात उसका असर कबूल करेगी। सही है, जिस तरह आपको होता है मुझे भी बड़ा जोर से जवाब आ रहा था लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा था। मुफ्त मुफ्त मैं इसमें एक पॉइंट देसी सब ऐड करना चाह रहा मेरा हूँ भी वो कि पॉइंट रह आप जाएगा एक फिर मिनट एक निकल मिनट जाएगा यार। कि आप जो कह रहे हैं ना कि यानी कि दो दो खुदा हो जो एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्यूट नॉलेज एब्सोल्यूट पावर सब कुछ हो उसके पास, ठीक है, तो जब दोनों के पास सब कुछ एब्सोल्यूट 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 मैनर में है तो फिर दो हुआ कहाँ, वो तो एक हुआ ना, नहीं हुआ उसके ऊपर दो का इतलाक ही गलत है, उसको आप दो मान ही नहीं सकते, ये मान आप सकते उसको दो कह ही नहीं सकते ना, जो कुछ यानी कि पूरे के पूरे इसमें यानी कि वो इतना ज्यादा ये है कि हम यानी कि 0.00 पॉइंट भी जो इधर उधर नहीं कर सकते दोनों के साथ, तो फिर एक ही हुआ, वो एक आइडेंटिटी है, वो एक वजूद है, वो एक जबरदस्त पॉइंट। नहीं हुआ, हजरत नानोतवी ने हुज्जतुल इस्लाम में इसको जिक्र किया है और उन्होंने एक लफ्ज बोला है मा बिहिल इम्तियाज और मा बिहिल इश्तिराक, ये दो फिलसफियाना लफ्ज हैं। ठीक तो ये बात जो आसिम भाई ने कही है वो ये कि अगर दो हैं तो दोनों को एक को दूसरे से क्या चीज मुमताज कर रही है, तभी तो दो होंगे ना, वरना दो नहीं हो सकते, वो क्या चीज है। ठीक ठीक नहीं ये अच्छी बात की, लेकिन मसला क्या है कि ये जो चीज बात कर रहे हैं ना कि दो खुदा या इस तरह, ये कंसेप्चुअल है क्योंकि ओ भाई आपको नहीं वो ठीक है, आपने एक बात की ना भाई, दो परफेक्ट नॉलेज वाले हो सकते हैं तो
हम यहाँ सवाल ही कर रहे हैं, चलो हमने थोड़ी देर के दो मान लिया, तो आप एक को दूसरे से मुमताज कैसे करेंगे? मुमताज नहीं है ना, दोनों दोनों परफेक्ट हैं, दैट मींस दोनों सेम यानी उनमें कोई के पास परफेक्शन है, फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन दो सेपरेट, कोई फर्क नहीं है, दो कोई फर्क नहीं है लेकिन दो सेपरेट है। फर्क यह है कि दो एंटिटीज हैं भाई। कैसे पहचाना आपने कि एक एंटिटी है और एक एंटिटी है, कैसे पहचाना? इसलिए क्योंकि उन वो जो इन आवर थॉट एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट में वो दो सेपरेट है, क्योंकि आप उन पे भी थॉट एक्सपेरिमेंट ही बात कर रहा हूं कि दो चीजों को अगर आपने एब्सोल्युटली सेम बना दिया कि उसमें जरा भी फर्क नहीं है तो फिर वो दो नहीं है, एक है। हम लोग कह सकते हैं कि दो सेपरेट हैं, लेकिन दोनों लाइक लेट्स से नॉलेज के लेवल पे एक को दूसरे से फौकियत नहीं हासिल। ओके, दोनों के पास नॉलेज है बट वन इज नॉट ग्रेटर देन द अदर, अगर इस तरह का नॉलेज इस लिहाज से कहा जाए। कोई और वजह होगी कि दो, जब ये आपने उनको दो माना, चलो ठीक है, इल्म की वजह से नहीं माना, किसी और वजह से माना होगा, एक में मर्सी ज्यादा होगी दूसरे में कम होगी, एक में कहर ज्यादा होगा दूसरे में कम होगा, कुछ होगा। आप एक एक वो कंपेयर कर रहे हैं लेस और मोर को, लेकिन अगर मोर दोनों को डिफरेंट करके लेकिन सेम डिफरेंट करने का क्या पैमाना है? नहीं, दैट्स अ गुड गुड क्वेश्चन कि भाई डिफरेंट करने का पैमाना क्या होना चाहिए, लाइक कोई ना कोई चीज जिससे आप डिफरेंस करोगे तो उसमें फिर आप वो हो जाएगा कि कौन सी चीज, मतलब क्राइटेरिया क्या है कि किस चीज को आप ज्यादा या कम कहोगे। लेकिन वो जो अभी आपने पहले कहा था कि भाई किसी चीज पे असर करती है, अब मैं कहूँ जो आपने एग्जाम्पल लिए कप का और शर्ट का, तो प्रॉब्लम है कि उस कप्स और शर्ट में फिजिकल लिमिटेशंस है, क्योंकि वो बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन एक बात मैं ये भी बता दूं कि हमारे अंदर भी फिजिकल लिमिटेशंस है, चूंकि हम मुतासिर हैं, ये कायनात मुतासिर, हम जो मुतासिर है ना, हम लोगों पे फिजिकल लिमिटेशन है, लेकिन जो जो गॉड है उसके पास तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो वो ऐसा क्रिएट कर सकता है जिसपे दो असर हो सके। इसका मतलब ये हुआ, आप ये कह रहे हैं कि वो खुदा के जिसकी कोई फिजिकल लिमिटेशन नहीं है और इसीलिए वो एब्सोल्यूट पावर और एब्सोल्यूट नॉलेज वाला है, वो दो मिलकर एक ऐसी चीज क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें कोई फिजिकल लिमिटेशन ना हो, तो वो चीज जिसको क्रिएट किया वो भी खुदा होगी फिर? नहीं नहीं, जिसपे आप फिजिकल लिमिटेशन का मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं कि एक उस पे असर करेगा तो दूसरा खुदा नहीं फिर उस पे असर करेगा, अगर उन दोनों बिल्कुल हार्मनी में है वो लोग, आई मीन दो खुदा अगर हार्मनी में है, कंप्लीट हार्मनी, अल्टीमेट हार्मनी, लाइक ऑब्जेक्टिव हार्मनी, तो वो उनके पास कोई सिस्टम हो सकता है कि वो दोनों एक चीज पे असर करें और उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो देखें बात कॉन्फ्लिक्ट ही हो रही है, मसलन दो पैर एक जूते में आप डाल लें तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और लेकिन ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी इस कायनात की तो कोई मिसाल देंगे ना, बाहर से तो मिसाल लेकर नहीं आऊंगा मैं, इस कायनात से बाहर की जो चीज हम देख रहे हैं उसी की मिसाल लेंगे, इसलिए ये मिसाल दी है। सिर्फ हमारा मेरा कहने का मकसद ये है, मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप दो खुदा तसव्वुर करते हैं जो इस लेवल के हैं, तो ये दोनों एब्सोल्यूट लेवल के मुअस्सिर हैं, यानी इनकी तासीर एब्सोल्यूट है, और हम जो है वो एब्सोल्यूट लेवल के मुतासिर नहीं है, हमारी जो असर कबूल करने की जो सलाहियत है वो लिमिटेड है। तो हमारी सलाहियत क्यों लिमिटेड है? लाइक वो तो डिसाइड किया अल्लाह ने ना कि भाई इसकी ये लिमिटेशंस है, वो डिसाइड वो गॉड कर सकता है कि इस जूते की लिमिटेशन नहीं है जिसमें दो पैर नहीं आ सकते। ये ऐसा ही है सवाल आपका, जिस तरह हम फैलेसी कहते हैं कि क्या गॉड एक ऐसा पत्थर बना सकता है कि जिसको खुद ना उठा सके, क्या गॉड अपना पार्टनर बना सकता है, तो ये एक फेलेशियस क्वेश्चन है। बिल्कुल ऐसे ही कि आप ये कह सकते हैं कि क्या खुदा ऐसी मखलूक बना सकता है कि जिसमें ये सलाहियत हो कि वो उसकी कोई लिमिटेशन ना हो, चूंकि जैसे ही आप ये कहेंगे कि ऐसी मखलूक के जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, तो फिर वो मखलूक नहीं हो सकती। एक तरफ आप उसको मखलूक कह रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये कह सकते हैं उसकी लिमिटेशन ना हो। नो, दैट्स अ गुड पॉइंट। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा, वी विल फिगर इट आउट। चले, थैंक यू वेरी मच। अच्छी फिगर आउट वही होगा जो हम कह रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो आप समझते हैं ना, और मैं कुछ और समझता हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसे ही कहते हैं। चले ठीक है, ओके ओके। अच्छा मुसा, मेरा एक क्विक क्वेश्चन था रिलेटेड टू हदीस जो अभी बात हुई थी। जब हम कहते हैं कि अगर कोई बंदा आउट हो गया क्या जी, निकल गए, तो अगर कोई इंसान टोटल हदीस का इनकार करता है तो हम तो उसको बिल्कुल काफिर कहते हैं, मतलब उसको काफिर किया। लेकिन आजकल जब हम देखते हैं कि कोई लोग आए हैं जो हदीस को मतलब अपने हिसाब से जो है ना वो पिक एंड चूज करते हैं, तो अगर कोई इंसान हदीस कुदसी का इनकार कर दे तो उसको हम काफिर कहेंगे? देखिए, हदीस कुदसी के ताल्लुक से अवाम में एक बहुत ही अजीब गरीब किस्म का मिसकंसेप्शन है। वो ये समझते हैं कि हदीस कुदसी जो है ना वो हदीस की मोस्ट ऑथेंटिक किस्म है, हालांकि हदीस कुदसी फैब्रिकेटेड भी हो सकती है, बिल्कुल,
क्या, क्योंकि हदीस कुदसी क्या क्या मतलब है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि अल्लाह ये कहता है, ठीक है, ये हदीस कुदसी है। अब एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक झूठा बयान मंसूब कर दिया कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये कहता है। अब ये जो हदीस कुदसी जिसको आप बज़ाहिर समझ रहे हैं ये तो फैब्रिकेटेड है, तो इसको तो हाँ, तो किसी भी हदीस का कुदसी होना उसके सही होने की गारंटी नहीं है। मैं वही कह रहा था, सही हदीस कुदसी अगर कोई इनकार कर दे तो जो सही हो, तो जो सही हदीस है अगर वो उसका वही हुक्म होगा कि मान लीजिए सही हदीस अगर खबर वाहिद है तो उसका इनकार जो है वो कुफर नहीं है, अगर मुतवातिर है तो उसका इनकार कुफर है, फिर वो कुदसी हो ना हो। सही, ठीक। अच्छा भाई, अब हमारे साथ हैं, मैं ये कौन है भाई, फिलोसफी इन डेप्थ बहुत ज्यादा गहराई लग रही है जी। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत